नीट भी जो है वो क्वालिफाई की है। यहाँ से मेरे भाई हैं जनाब जीएम शाह साहब, इनकी हौसला अफजाई होती है। तो सर आलिया जावेद 41483% इनके दादू हैं, हमारे साथ बहुत कॉपरेट करते हैं, बहुत ज्यादा। आलिया जावेद 34 जो कि मीडिया से मलिक साहब हमारे बीच तशरीफ लाए हैं। सर आपका बहुत बहुत वेलकम और बहुत बहुत शुक्रिया, जोरदार क्लैपिंग होनी चाहिए। आप हमारे बीच हमेशा जब भी कोई प्रोग्राम होता है आप हमारे बीच आते हो बच्चों की हौसला अफजाई के लिए। आगे सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। नेक्स्ट जो बच्चे हमारे 41082% मास्टर जावेद खान साहब हमारे साथ हैं, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो स्टेज पे आए। और करम हुसैन शाह साहब भी हैं, सर आप भी आएंगे, करम हुसैन शाह साहब भी आएंगे इनके साथ इस बच्चे की हौसला अफजाई के लिए। यह फैजान अहमद 410 marks 80। आज एक पेरेंट की हैसियत से आए हैं सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत वेलकम आपका कि आप हमारे बीच में तशरीफ फरमा है। आज एक प्राउड पेरेंट के तौर पर के हमारे साथ हैं, ना के मेहमान की हैसियत से। नेक्स्ट जिस बच्ची का मैं नाम लूंगा, नहीं है कहीं बाहर गए हुए हैं, मिसबा जारा, आप सब नाज़रीन मैम को जानते होंगे, ये उनकी बच्ची है 407। तो ये हम सब इसके मुबारकबाद के हकदार हैं। करें करें बशारत अली शकील सर देंगे 438%। तो मैं शकील सर से रिक्वेस्ट करूंगा खान अगर यहाँ पे है तो वो स्टेज पे आए। साहिद अली खान नहीं मैं बस 387 78%। साहिद अली खान मैम आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस हौसला अफजाई के लिए और हमारे लिए टाइम निकालने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जनाब अमजद खान साहब हैं आप हमारे साथ हैं, तसदुक खान साहब नायब सरपंच बकरी, रिक्वेस्ट करूंगा कि वो स्टेज पे आके इनको जो है इनका शाल जो है वो पहनाएं। सर आपको बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका यहाँ पे तशरीफ आने के लिए और हमें हर टाइम आप अपनी कवरेज देते हो, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जोरदार क्लैपिंग होनी चाहिए। मेरा नाम अतीक कोसरा, मैं प्रीवियस ईयर 10th क्लास का रिजल्ट जो हुआ है अभी तो उसमें मेरे 10th पोजीशन है और मेरी सबसे स्कूल की फर्स्ट पोजीशन है, मेरे 97% मार्क्स हैं। और मैं अपना क्रेडिट पूरा पेरेंट्स और टीचर्स को देता हूँ, उनकी सपोर्ट और उनकी वजह से। आज कोविड भी रहा लास्ट ईयर, तो किस तरह की मुश्किल का सामना किया आपने? जैसे कि आप जानते हो कि कोविड 19 मतलब केसेस इतने ज़्यादा बढ़ रहे थे और लॉकडाउन की वजह से हमें इस तरीके पूरी फैसिलिटी स्कूल में अटेंडेंस नहीं हो पाई। लास्ट ईयर जब कोविड 19 के मतलब थोड़े केसेस कम हुए तो स्कूल थोड़े ओपन हुए थे, तो उसमें थोड़ा हमें किराया था, उसमें टीचर ने मेंशंस कराई, हमें थोड़ी सपोर्ट दी। सर ये सब कुछ ये मतलब जितने भी मार्क्स आए सर मैं अपना पूरा क्रेडिट टीचर्स और पेरेंट्स को दूंगा उनकी सपोर्ट की वजह से। क्या कहोगे आप अनिल? मैं एसोसिएट में पढ़ता हूँ और मैंने 94% मार्क्स लिए 10th क्लास में जो रिजल्ट हुआ है। तो जैसे कि आप जानते हैं कि कोविड के सिलसिले में सारा सिस्टम डिस्टर्ब था, तो हमारे टीचर ने हमारे साथ बहुत कॉपरेट किया, तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और इस सारा जो हमारा रिजल्ट हुआ टॉपर पोजिशन आई है इसका क्रेडिट जाता है हमारे टीचर्स को। टीचर्स और बच्चों का कैसा कॉपरेशन था लॉकडाउन में? लॉकडाउन में उतना अच्छा भी नहीं था, मगर जितना भी हमारे टीचर ने किया ऑनलाइन क्लासेस की वजह से तो हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं, तो जिसकी वजह से आज हमारा। तो पहले बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप हमारे बीच आए और बच्चों की हौसला अफजाई के लिए। आपको ये बात का अलम होगा सर कि पिछले हफ्ते जो है विंटर जोन जो का 10th क्लास का रिजल्ट जो है वो अनाउंस हुआ, उसमें हमारे स्कूल से जो है 107 बच्चा जो था वो सर उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। और अल्लाह का करम है कि 100% रिजल्ट जो है हमारे स्कूल ने इस बार भी हासिल किया है। और अल्लाह का करम है कि ये 450 अबो जो है वो 13 स्टूडेंट्स हैं और 400 से अबो जो है वो 50 स्टूडेंट्स हैं और कुल मिला के 75 डिस्टिंक्शन आगे आई है। तो अल्लाह का करम है और बहुत ही अच्छा रिजल्ट जो है इस बार कि हमारा आया है, उनका कोऑपरेशन है। और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि ये पेरेंट्स और मेरे स्टाफ हम सब से मिलकर जो है इस मुश्किल दौर से जो है हमने बच्चों के लिए जो कर सके हम
हालांकि हालात उतने मुफीद नहीं थे, लेकिन फिर भी अल्लाह करम है इस चीज़ में। जो स्कूल के जो ऑनर हैं या जो स्टाफ मेम्बर्स हैं, या मैं अपनी खुद की बात करूँ, ये टीम वर्क है सर। इसमें अकेला एक प्रिंसिपल या एक ऑनर जो है या कुछ नहीं कर सकते, ट्रायंगुलर प्रोसेस है। और सबका बहुत अच्छा कोऑपरेशन रहा है, सबका बहुत अच्छा सपोर्ट रहा है, स्कूल मैनेजमेंट का बहुत अच्छा सपोर्ट रहा है। और इस चाहे ऑनलाइन सब बच्चों को मैं तहे दिल से, उनके पेरेंट्स को भी और उन बच्चों को भी तहे दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ। तो जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले दिनों 10th क्लास का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ और उसमें मेरी थर्ड पोजीशन है, मेरे 92.9% मार्क्स हैं और ये सारा क्रेडिट सिर्फ टीचर्स और मेरे पेरेंट्स को जाता है। और जैसा कि आप जानते हैं कि लॉकडाउन भी रहा और उसमें भी हमारी टीचर्स ने बहुत ऑनलाइन सिस्टम किया और उसमें भी हमारा देखें लॉकडाउन था, लेकिन फिर भी हमने ऑनलाइन सिस्टम किया और टीचर्स की मदद के साथ हमने अपना पूरा सिलेबस कवर किया, जिसकी वजह से आज आपके सामने हमारा रिजल्ट है और सब हमारी स्कूल की पोजीशनें आई हैं। जैसा कि आज सर सैयद मेमोरियल कन्वेंट स्कूल में प्रोग्राम है, किस हवाले से ये मेन प्रोग्राम था? आज यहाँ का प्रोग्राम जो मैट्रिक में टॉपर बच्चे यहाँ पर आए हैं, अच्छी पोजीशनें लेकर यहाँ पर आए हैं और उनके हौसला अफजाई के लिए यहाँ पे एक प्रोग्राम रखा गया है, जिसमें पेरेंट्स को यहाँ पर बुलाया गया और यहाँ के इंतज़ामिया ने बेहतरीन यहाँ का इंतज़ाम किया और बच्चों को मुबारकबाद दी और हौसला अफजाई की गई और बहुत बेहतरीन यहाँ इस स्कूल का डिसिप्लिन और यहाँ का इंतज़ाम जो है, और चेयरमैन साहब हों या इनकी इंतजामी कमेटी जितनी भी है, दिन रात इन्होंने मेहनत कोशिश काविश की साहब ने, तो ऑफलाइन ऑनलाइन हर तरह की कोशिश की, बच्चों को पेरेंट्स को फ़ोन कर भी उजागर करते रहे कि अब आपका एग्ज़ाम आपके सर पे है। तो ये सेहरा तो मंजूर साहब के सर जाता है, इम्तियाज़ सर के सर जाता है, सभी के मैं सभी को मुबारक पेश करना चाहता हूँ। हमारी बच्ची भी इसमें टॉपर आई है, तो मैं बच्चों के लिए भी एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा एक शेर के ज़रिए कि नज़रे फरेब नज़ारे यहाँ के हैं बेशक, मगर हमें बराबर कदम बढ़ाना है, न रुक ऐज़ो के हम सफ़र के न रुक, अभी बहुत दूर मंजिलों पे जाना है। मुबारक पेश करता हूँ मैं स्कूल को और स्कूल के बच्चों को और यहाँ के इंतज़ाम।